नमस्कार छात्रों, फाइट पंडित आपका स्वागत करता है यूएफसी समाचार यानी आज की तीन बात पर। चलिए शुरू करते हैं। पहली, यूएफसी 254 हबीब वर्सेस गेची के लिए फैंस चिंतित थे कि क्या हबीब को जरूरतमंद ट्रेनिंग मिल पाएगी, क्योंकि हबीब दागिस्तान में फंसे हैं और उनके कोच हावियर मेंडेस अमरीका में। हबीब ने ट्विटर पर घोषणा करी कि अक्टूबर की लड़ाई के लिए वो अपने कोच से सितंबर में मिलेंगे और वो गेची के खिलाफ उनके साथ होंगे। हालांकि अब तक उनके लड़ाई की स्थान की घोषणा नहीं हुई है। सबका यही मानना है कि ये लड़ाई अबुधाबी के युद्ध द्वीप या साइलेंट में होगी। दूसरी, जीएसपी ने अपने और हबीब की लड़ाई होने की संभावना में ये बोला है कि वो अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनको लड़ने की हालत में वापस आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर यूएफसी उनकी और हबीब की लड़ाई सच में करवाना चाहता है तो यूएफसी को उनको एक ऐसा प्रस्ताव देना पड़ेगा जो वो मना ना कर पाए। तीसरी, हमजा चिमाएव का काफी मशहूर फाइटर्स ने उनके रूप के लिए मजाक बनाया है। कॉनर ने उनको चूहे के होठों वाला इंसान भी बुलाया था। इसी बात के लिए हमजा ने अपने चोट की कहानी बताई है। कईयों को लग रहा था कि उनकी चोट एक जन्मजात दोष है, जबकि असल में जब वो छोटे थे तब उनके जन्म देश पर पड़ोसी देश बमबारी कर रहा था। उसी दौरान वो सीढ़ियों से नीचे जाते समय मुंह के बल गिर गए, जिस वजह से उनका होठ फट गया। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके चेहरे की चोट इतनी गहरी है कि उनको सिर्फ आधे नाक से सांस आती है और एक तरफ से उनकी नाक पूरी तरह बंद है। काफी मुश्किल हालातों से निकलकर ये 26 साल का योद्धा विश्व मंच पर पहुंचा है। आज की तीन बात यही समाप्त। करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, शुभ विदाई।